अस्सलाम वालेकुम थ्री क्लास, हाउ आर यू ऑल? एज़ यू नो, योर मिड टर्म इज़ गोइंग टू बी स्टार्ट इन जुलाई, सो यू हैव टू रिवाइज द फर्स्ट सिक्स वीक, नंबर वीक नंबर वन टू वीक नंबर सिक्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आवर रिविजन प्लान है नंबर वन एंड टू. वीक नंबर वन ग्रामर है. रिकॉल द ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड बुक पेज नंबर 26. सो यू हैव टू लर्न ऑल द ग्रामर वर्क, डेफिनेशन ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच, एंड देन यू हैव टू डू टू राइट इट ऑन योर रफ नोटबुक टू डू द प्रैक्टिस. ओके, रिकॉल नाउ. नाउन, व्हाट इज नाउन? नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड लाइक अली, पेंसिल, लाहौर. आपको पता है नाउन जो होता है वो नेम होता है, नाम होता है. ठीक है, आपका नाम, चीज़ों का नाम, इर्द गिर्द का नाम. और फिर ये सारी एक्सरसाइज आपने अपने क्लास में की हुई थी. जैसे हमने विंड, फिर लास्ट लेटर से डॉग, डॉग के लास्ट लेटर से गोट, गोट के लास्ट लेटर से ट्रेन, ट्रेन के लास्ट लेटर से नेल, एंड नेल के लास्ट लेटर से लैम्प. ठीक है, तो ये आप सारी प्रैक्टिस करें और लर्न दिस डेफिनेशन. ओके, कम टू द पेज नंबर 27. व्हाट इज़ अ वर्ब? ओके, गिव थ्री एग्जांपल्स. इट डिस्क्राइब्स एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग. एक्शन, व्हाट इज एन एक्शन? एक्शन इज़ योर वर्क दैट यू डू ऑन डेली बेसिस, यू डिड इन द पास्ट और यू विल डू इन कमिंग डेज. ओके, दिस इज ऑल द एक्शन, दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्शन, यानी हमारा काम. ठीक है, इट डिस्क्राइब्स, ये डिस्क्राइब करता है, शो करता है एन एक्शन, एक काम को, और स्टेट ऑफ बींग या काम करने को, लाइक प्ले, रन, ईट, खेलना, भागना, खाना, ये सब कुछ. व्हाट द कैट इज़ डूइंग इन दिस पिक्चर? इट इज़ रनिंग आफ्टर द कैट, इट इज़ ट्राइंग टू कैच द माउस. ओके, सो दिस इज़ द एक्शन ऑफ द कैट एंड दिस इज कॉल्ड द वर्ब. Catch is called the verb. Okay, so you have to learn both these definition. Noun is naming word, verb is a describing word, and also just let's do the exercise of the verb. Write down the action word, mean verb to tell what these people and animal do. Hen dash eggs, and look at the helping box. They have given you the verb and you have to choose the best answer for the fill in the blanks and just fill it. Hens lay eggs. ठीक है, मुर्गियाँ क्या करती हैं? अंडे देती हैं. Cat cats catch mice. बिल्लियाँ चूहे पकड़ती हैं. Number three, fish swims in the water. क्या करती है वो? स्विम करती है वाटर में. अब हम ये तो नहीं कहेंगे ना कि फ़िश ईट्स इन द वाटर. ठीक है, जब हम उसकी बात करेंगे पानी की तो सूटेबल वर्ब लगाएंगे. नंबर फोर, वी ईट फूड. अगर हम कह देंगे वी स्विम्स फूड तो इट वुड बी रॉन्ग. नंबर फाइव, चिल्ड्रन प्ले गेम्स. बच्चे गेम खेलते हैं. अब हम देखें गेम, फूड, इन द वाटर, माइस और एग से अंदाज़ा लगाया है कि ये लोग इन चीज़ों का क्या करते हैं. मुर्गी क्या करती है? अंडे देती है. बिल्ली माइस को क्या करती है? कैच. फिश क्या करती है वाटर में? स्विम. और हम क्या खाते हैं फूड को? खाते हैं. ठीक है, चिल्ड्रन क्या करते हैं? गेम्स, प्ले. ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक द सेंटेंसेस बाय यूजिंग दीज हेल्प वर्ब. रीड, क्रॉस, लाइक, सिट्स, लेज, गो. ओके, अहमद एंड राशिद रीड अ बुक इन द लाइब्रेरी. अब देखें इसका किस तरह हमें गेस कर सकते हैं. अहमद एंड राशिद अ बुक इन द लाइब्रेरी. लाइब्रेरी में बुक क्या की जाती है? क्रॉस की जाती है, रीड की जाती है, लाइक्स की जाती है, लेज, सिट्स या गो. तो ऑब्वियसली बुक को रीड किया जाता है. ठीक है, लाइब्रेरी में बैठ कर. माई पेट रैबिट रेड कैरेट. अब जो रैबिट है वो रेड कैरेट्स को क्या करता है? लाइक्स करता है. ठीक है, माई पेट रैबिट लाइक्स रेड कैरेट. द कैट ऑन द मैट. क्या करती है मैट पर? द कैट सिट्स ऑन द मैट. ठीक है, द ऑस्ट्रिच द बिगेस्ट एग. अब ऑस्ट्रिच क्या करता है एग को? द ऑस्ट्रिच लेज द बिगेस्ट एग. ठीक है,
तो ये दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द वर्ब. यू हैव टू लर्न इट वेरी वेल एंड द डेफिनेशन ऑफ इट. स्टे ब्लेस्ड, लर्न इट टाइमली, सो इट विल हेल्प इन योर एग्जाम.